त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। इसका भाष्य चलेगा। त्रैगुण्य विषया, त्रैगुण्यम, त्रिगुण्य क्या है? त्रिगुणात्मक ये संसार, संसारी त्रिगुणात्मक। त्रैगुण्यम का अर्थ है संसार, वही है विषय, प्रकाशितव्य, प्रकाशन करने योग्य, जिनके ये शाम ते उन्हें कहा जाता है त्रैगुण्य विषया। ये कौन है? वो वेदाह, कर्मकांड पर जो वेद भाग है उसको कहते हैं संसार का ही प्रतिपादन करने वाले वाक्य हैं वो, जो संसार के विभिन्न लोकों को प्राप्त करने के साधनों को बताया, पुण्य कर्मों का वर्णन किया, कर्तव्य और विधि के साथ निषेधों का वर्णन दिया, जिसे करने पर पाप होगा और पाप होने से नीचे के लोगों की प्राप्ति होगी। अच्छा, ऊपर के लोगों की प्राप्ति के विधि और नीचे के प्राप्ति संदर्भ में निषेध वाक्यों के द्वारा संसार का ही वर्णन पूरे कर्मकांड भाग वेद का करता है। और आपको क्या होना है? निष्कामो भव इत्यर्थ, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। त्रैगुण्य विषय विषयास त्वंतु, इसलिए वेद जब त्रैगुण विषयक है तो तुम्हें क्या होना है? निस्त्रैगुण्य होना है, संसार को पावे ऐसे कर्म नहीं करना है। अर्थात जो भी कर्म करो उसको निष्कामो भव, कामना रहित होकर करो। कामना रहित होकर करूँगा लेकिन फिर भी राग द्वेष आदि आ ही जाते हैं, कहते नहीं, निर्द्वंद्व सुख दुख हेतु सप्रतिपक्ष पदार्थो द्वंद्व शब्द वाच्यो, सुख का कारण और दुख के कारण जो हमेशा प्रतिपक्ष युक्त होते ही हैं, ऐसे जो पदार्थ है दोनों, इन्हीं को द्वंद्व शब्द से कहा जाता है। अर्थात सुख दुख, भूख प्यास और ठंडी गर्मी, ये द्वंद्वत्रय माना गया। शारीरिक द्वंद्व है ठंडी गर्मी लगना, प्राणिक द्वंद्व है भूख प्यास और मानस द्वंद्व है सुख दुख। ये तीन प्रकार के द्वंद्वों को कह रहे हैं संकेत कर सुख दुख आदि के द्वारा, सुख दुख और से कारणीभूत जो हैं उन सभीों का निवारण करते हुए उन सबसे ऊपर उठ जाओ। निर्गतो ततो निर्गता, उस द्वंद्वों से निर्गत हो जाना उसको बोलते हैं निर्द्वंद्वो भव, निर्द्वंद हो जाओ, सबके साथ धव जोड़ेगा तो नित्य सत्वस्थो भव। नित्य सत्वस्थ मने सदा सत्वगुण आश्रित भव, सदा ही सद्गुण आश्रित हो जाना, सत्वगुण के आश्रय में रहना, रजोगुण और तमोगुण को दूर रखो। वो आते जरूर है वासना की वजह से, संस्कार की वजह से, ये उनको दबा देना, उन वासनाओं के कारण से आए हुए संस्कार से जो वृत्तियाँ हैं, राजसी वृत्ति, तामसी वृत्ति, उन वृत्तियों को दबा देना है, उपेक्षा करनी है। दबाने का मतलब क्या है? उपेक्षा कर देना है। जब उनकी उपेक्षा करोगे तो आना ही बंद कर देंगे। ये हम लोगों को व्यवहार में से करना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनका आने से उपद्रव है, तो हम लोग क्या करना पड़ता है? उसकी उपेक्षा करना पड़ता है, उसका पानी भी मत पूछो, इधर देखो भी नहीं, बोलते रहे तो अपने काम में लगे रहो, इधर करो तो देखे कि भाई ये तो हमको तो घास ही नहीं डाल रहे, क्या करें यहाँ, तो वहाँ ना अपने बंद कर देगा। अरे जी हाँ जी, आओ जी, बैठो जी, क्या हाल है, क्या नहीं है, इधर पानी पूछो, फिर तो और ज़्यादा चढ़ेगा। यहाँ तो मालो माल है, दिमाग चाट रहे, रोज आएगा एक घंटा फालतू बैठेगा, आपका समय बर्बाद करेगा। इसलिए ऐसे लोगों के लिए उपेक्षा ही सबसे बड़ा साधन होता है। जब जब आपके अंदर रजोगुण इसी प्रकार जब बाह्य व्यक्तियों के साथ आप करते हो, अवांछनीय के साथ व्यवहार करते हो, उपेक्षा व्यवहार हो, इधर अपने अंदर जो अवांछनीय है राजस और तामस वृत्तियाँ, उनके जो उद्भव हो वह उनके भी उपेक्षा कर दो, उसके अनुसार आचरण करना ही नहीं।
शांत हो जाओ, निवृत्त होकर बैठ जाओ या कोई सात्विक कार्य में लग जाओ तो अपने आप जब सत्पृष्ट हो जाओगे। यदि सदा सत्गुण आश्रितो भव तथा ठीक उसी प्रकार से निर्योग क्षेमो भव। योग क्या है? अनुपात्तस्य उपादानम योग, उपात्तस्य रक्षण क्षेम। अप्राप्त की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का नाम योग है और प्राप्त की चारों तरफ हर तरीके से रक्षा करने का नाम जो है क्षेम है। योग क्षेम प्रदानस्य, जो योग क्षेम को प्रधानता देता है वह व्यक्ति का दिल और दिमाग कभी श्रेय मार्ग में लग ही नहीं सकता, वह संसार में ही लगा रहेगा। श्रेयसी प्रवृत्ति दुष्करा, श्रेय मार्ग में उसी प्रवृत्ति बहुत कठिन है। जो व्यक्ति योग क्षेम लगा रहेगा उसका प्रवृत्ति जो है श्रेय मार्ग में हो ही नहीं सकता। श्रेय मार्ग में तो त्याग चाहिए, वैराग्य चाहिए और त्याग और वैराग्य की बात जहाँ पर है वहाँ पर योगक्षेम छोड़ना पड़ेगा। योगक्षेम के पीछे लगोगे त्याग वैराग्य गया, क्योंकि आपको उसमें आ सकती है। अब प्राप्त के प्राप्त करने की इच्छा है और प्राप्त के रक्षा करने की इच्छा है, उन कामनाओं के अनुरूप आपके सकल व्यवहार व्यवस्थित हो जाता है तो सांसारिक पदार्थों में ही आपका लगाव बना रहेगा तो निश्रेय मार्ग में आपकी प्रवृत्ति अत्यंत दुष्कर हो जाएगी। तो इसलिए निर्योग क्षेम भवा, योग और क्षेम का त्याग दो। कितने कर लोगे अपने योगक्षेम? आपके हाथ में वास्तव में कुछ भी नहीं है। ये पगला बेफाल तो सोचता है मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ये प्राप्त कर लूँगा, वो हासिल कर लूँगा, ये जो है इसकी है इसका कई गुणा बना लूँगा, लेकिन तेरे भाग्य में नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। और भाग्य में है तो सामान्य व्यवहार मात्र से भी आपको जो प्राप्त होने प्राप्त होते ही रहेगा, रुकेगा थोड़ी वो। समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ भी संसार में प्राप्त नहीं होता। अतएव अनावश्यक दौड़ भाग जो कर रहे हैं इसको तो छोड़ देना चाहिए, तभी जाकर निर्योग क्षेम हो भव। ऐसे होने से क्या होगा? आत्मवान च भव, आत्मवान मने अप्रमत्तो भव इत्यर्थ, अप्रमत्तश्च भव। येष तव उपदेशाय, तुम्हारे लिए हमारा उपदेश है, यही उपदेश है तुम्हारे लिए। इस प्रकार से आसुरी संपत्ति वर्णन के बाद में यहाँ समापन करने के बाद देवी संपत्ति के लिए बात कह दिया गया। दोबारा ये चीज़ें आपको अपनाना होगा यदि आपको श्रेय मार्ग में आगे बढ़ना है तो। त्रैगुण्येति राजसा तामसा सात्विकाश्चेति त्रिविधा गुणा, राजस तामस और सात्विक ये तीन प्रकार के गुण हुआ करते हैं, इनको त्रिगुणा कहा जाता है। राग द्वेष लोभ मोहादय, राग द्वेष और मोह आत्मक होता है। तत्कार्याणाम तत्फलानां च तेषां तत्कार्याणाम, इन तीनों गुणों का, उन गुणों का जो कार्य है एवं उनका जो फल है, इन सबको त्यागना समाहारा, इन सबको समाहृत करके एक शब्द से कह दिया त्रैगुण्यम अर्थात संसार। स एव विषय कर्म साधनादि प्रकाशन द्वारा वर्धनीयत्वेन गोचरो एषां ते त्रैगुण्य विषया वेदाः। संसार वृद्धेर इत्यर्थ, उन्हीं के प्रकाशन द्वारा क्या करता है? सैव विषय मैंने कर्म तत्साधनादि प्रकाशन द्वारा उन्हीं संसार के पदार्थों को वर्धनीयत्वेन बढ़ाने के, वर्धन मैंने बढ़ाना और धन प्राप्त हुए भूतिकाम पुत्रकाम इत्यादि याग है ना, ये सब क्या है? प्राप्त ऐश्वर्य में भी और बढ़ाने की बात करता है। वर्धनीयत्वेन गोचरो एषां तादृश विषय है जिनका, उन वेदों को कहा जाता है ते त्रैगुण्य विषया वेदाः। संसार वृद्धेर वेदोक्त कर्माधीनत्वेन, संसार के बढ़ने घटने का मामला जो है वेदोक्त कर्मों के अधीन है।
वेदोक्कर्म करते रहेंगे संसार बढ़ेगा, वेदोक्कर्म करना बंद करेंगे संसार घटेगा। अब घटने की ओर चल पड़ा है ना, इसीलिए ही क्योंकि वेदोक्कर्म करना बंद हो गया, लगभग कम हो गया, बहुत ही कम। संध्या पूजा पाठ भी सामान्य वैदिक कर्म भी नहीं कर रहे, विशेष यज्ञ आदि तो करने का दूर की बात है। कहीं कहीं पर कुछ कुछ लोग आयोजन कर देते हैं, लेकिन अधिकतर तो नहीं है, इनके बराबर हो गया है विश्व स्तर पर। इसलिए मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ रही है। यदि मनुष्य जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो आपस में लड़के मरेगा कैसे? आपस में एक दूसरे बमबारी करेंगे तब ना मरेंगे। तो इसीलिए इनकी संख्या बढ़ाना पड़ता है, और उसे उपद्रवियों की संख्या बढ़ा रहे हम लोगों के लिए। हम दो हमारा एक, और उनके हम पांच हमारे 25। उपद्रवियों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आपस में वो लड़ रहे हैं, इसीलिए मुस्लिम देशों की लड़ाई चालू हो चुकी है आपस में। बढ़ेंगे ये तो, तभी तो विनाश होगा। संसार बढ़ता है तमगुण से और रजोगुण से, सत्वगुण से संसार में आनंद की स्थिति बनती है। अब जैसे राजस और तामस वृत्तियाँ बढ़ रहे हैं, सात्विक वृत्तियाँ न्यून होते गया है। संसार वृद्ध है वेदोकर्मादिनत्वेन वेदास त्रिगुण विषया इत्युच्यन्ते। वेदों को त्रिगुण विषय को कह दिया गया, त्रिगुण्य से वेद विषयत्व कि बढ़ना है कि संसार बढ़ रहा है, कि संसार किस दिशा में बढ़ रही है बात अलग चीज़ है। सुख बढ़ रहा है कि दुख बढ़ रहा है, कि राग द्वेष बढ़ रहा है, कि क्या बढ़ रहा है, वृद्धि तो हो ही रही है। वैदिक कर्म करो, और वेदों में ही कहो निषिद्ध कर्म भी वैदिक कर्म है ना, वैदिक कर्म से विहित कर्म क्यों लेना? वेदों में जो निषिद्ध कर्मों को कर रहे हैं हम ज़्यादा, उससे भी क्या होगा, इस संसार में पाप बढ़ेगा और पापी बढ़ेंगे। या हो रहा है, जो भी कर्म हो रहा है वो वैदिक ही हो रहा है, लेकिन विहित कम हो रहा है, निषिद्ध ज़्यादा हो रहा है। पहले विहित ज़्यादा होते थे, निषिद्ध कम होते थे, यही अंतर है, युग की यही व्यवस्था है। त्रैगुण्य से वेद विषयत्व न सर्वेशम उपाधित्व सत्यपि न तन्मोक्ष ब्रादर्तव्यम। यद्यपि त्रैगुण्य जातपक जो वेद है, उस वेद के विषय को सभी के द्वारा उपाधि है, सभी वेद विहित कर्मों को करें निश्चित को ना करें, ये सबके द्वारा होना चाहिए, लेकिन नाम मोक्ष भी, लेकिन कर्मकांड की प्राधान्यता देकर के मोक्षों को कर्म में ज़्यादा प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। नाम मोक्ष आदर्तव्यम, उसका आदर नहीं करना चाहिए। इत्याह निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन। यतस्तम मोक्ष इच्छया योग बुद्धि युक्त, जिसलिए तुम जो है मोक्ष की इच्छा से योग बुद्धि युक्त होना चाह रहे हो, इसलिए स्वधर्मे प्रवृत्त, क्योंकि आपने अपने धर्म में प्रवृत्त होकर आए तो थे यहाँ लड़ने के लिए। स्वधर्म में आप प्रवृत्त हुए थे, इसका मतलब यही है आप मोक्ष इच्छा से ही प्रवृत्त हुए। योग बुद्धि से युक्त होकर मोक्ष इच्छा से ही आप स्वधर्म में प्रवृत्त हुए थे, तो इसीलिए कार्य प्रवृत्ति में अब अचानक जो तमोगुण छा गया बीच में, अवसाद हो गया है, अर्जुन विषाद हो गया ना आपको, इससे उभरना होगा। इसलिए कह रहे निस्त्रिगुण्यो भव। विषाद अवसाद ये सब चीज़ें क्या हैं? तमोगुण के काम है। आपको निस्त्रिगुण्य होना है, इससे ऊपर उठना है। ततो निस्त्रिगुण्यो भव प्ररोचन श्रुतिभ्यो रागद्वेशादिभ्य तत्प्रधान कर्मभ्य तत्फलेभ्यश्च निष्क्रांतो भव इत्यर्थ। कहने का मतलब है जो प्ररोचनात्मक श्रुतियाँ हैं, प्रेरणा देने वाली श्रुतियाँ, ये करो तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, मैं सोमयाग करूँगा और थोड़ा सा अंत में सोमरस मिलेगा और सोमरस पीऊँगा मैं अमर हो जाऊँगा, अपाम सोमम अमृता अभूम इत्यादि वचनों को प्ररोचक वाक्य कहा जाता है। प्ररोचन श्रुतिभ्य रागद्वेशादिभ्य, जैसे रागद्वेश युक्त है तत्प्रधान कर्मभ्य, तत्प्रधान होता कर्म और तत्फलेभ्यश्च निष्क्रांत भव, और उनके फलों से भी तुम अलग हो जाओ। निर्द्वंद्वश्च इष्टाष्ट पदार्थो द्वौ द्वंद्व शब्द वाच्य, इन्हें दूसरे ढंग से ले रहे, इष्ट और अनिष्ट पदार्थ, इनको इन दोनों को द्वंद्व शब्द से कहूँगा,
राग द्वेषादि दोष जनक हो, जो कि राग द्वेषादि सकल दोषों के जनक है, तत्र समबुद्ध्या ताभ्याम निष्क्रांतो भव, उनमें समबुद्धि रखते हुए आप उन दोनों से भी अलग हो जाइए। मोक्षस्य तो साधनस्य समदम क्षांत्यादेः सत्वगुणैक लभ्यत्वात् निस्त्रीगुणत्वेपि मोक्ष सत्वेन भवितव्यम् इति आशयनः नित्यसत्त्वस्थो भव। मोक्ष और मोक्ष के साधन ज्ञान अभ्यास तदर्थ जो समदम क्षांति आदि जो है सत्वगुणैक लभ्यत्वात् एकमात्र सत्गुण के द्वारा लभ्य होता है, अतएव निस्त्रीगुण्यत्वी आप निस्त्रीगुण्य हो जाओगे, निर्द्वंद्वी हो जाओगे तो भी मोक्ष के लिए सत्य प्रतिष्ठा होना जरूरी है। सत्वेन भवितव्यम् इति आशयनः नित्यसत्त्वस्थो भव इति, नित्यं सत्वगुण एव तिष्ठति इति नित्यसत्त्वस्थो भव, नित्य ही सदा ही सत्वगुण में ही जो रहता है उसका नाम नित्यसत्त्वस्थो। सामान्य अर्थ लिए हैं विवेक वैराग्य शमदमादिषु एव तिष्ठत्यर्थः, विवेक वैराग्य शमदमा षट संपत्ति और मोक्षता इन्हीं में तुम्हें टिके रहना है। योगक्षेम परस्य राग द्वेषादि प्रसज्जत है, क्योंकि जो योगक्षेम पर जो होगा उसके निश्चित रूपेण राग द्वेषादि उत्पन्न हो जाएगा। तेन समाधि पलायन्ते, उसे क्या होगा आपके अंतकरण से शमदम तितिक्षा उपरति समाधान श्रद्धा अपने आप निकल के दूर चले जाएंगे। जहाँ राग द्वेष है वहाँ ये सब नहीं आ सकते। गाना इसलिए कुमति जहाँ जहाँ सुमति संपत्ति नाना, जहाँ कुमति जहाँ विपत्ति, जहाँ सुमति है तो संपत्ति खूब मिलेगी, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति के अलावा कुछ नहीं है। इसे योगक्षेम क्या है कुमति है, ये जहाँ विवेक वैराग समदम आदि वो सुमति है, वहीं आपको मोक्ष रूप ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है, नहीं तो संसार के दल दल में आदमी को फंसना पड़ेगा। वही इनका कहना है योगक्षेम परस्य राग द्वेषादि प्रसिद्धेन समाधि प्रारायन्ते तथा साधन विच्छिन्न विच्छित्ति, उसे आप जो मोक्ष के साधन में लगे रहते थे उससे विच्छेद हो जाएगा। विच्छेद होने से क्या हुआ तया मोक्ष सिद्धि, फिर आपका मोक्ष की जो इच्छा थी वह कभी सिद्ध नहीं होगा। तो मोक्ष ताभ्याम निर्गम कर्तव्य, इसी कारण से हमारा मानना है इन दोनों माने योग और क्षेम क्षेम से भी मोक्ष को अलग हो जाना चाहिए। इत्याशेन निर्योग क्षेमो भवति। अविद्यमान संपादन योग, अविद्यमान का संपादन करने का नाम योग है, माने अपराध की प्राप्ति का प्रयास का नाम योग है, और विद्यमान से पालनम विद्यमान को पालना रक्षा करना उसका नाम क्षेम है। प्रारब्ध अधीन भूतत्वंताभ्यम निष्क्रांत भव इत्यर्थ, इन दोनों से ऊपर उठने का मतलब क्या है आपको प्रारब्ध अधीन होना पड़ेगा। प्रारब्ध अधीन होने का ही पूर्व में क्या बताया मंत्र आपको यदृच्छालाभ संतुष्ट, ये एकमात्र तरीका योगक्षेम से ऊपर उठने का, जो मिला उसे काम चलाना है, और ये चाहिए वो चाहिए बात खत्म, नहीं मिला है उसको क्या चाहिए पीछे पड़ना, अपने भाग्य में होता तो मिल जाता, बल्कि भाग्य में आ भी जाए यदि आपके साधन में बाधक महसूस हो तो उसको त्याग देना चाहिए। नचिकेता को क्या नहीं मिला भाग्य से, यमराज जी सब कुछ देते रहे और त्याग दे गया, यानी कि भाग्य से आ गए तो ये भी ले लो वो भी ले लो सब ले लो, जो भाग्य से सब लेते जाओ तो लोग आएंगे आपको कन्यादान देने करने लगेंगे तो ले लोगे क्या। तो इसलिए भाग्य में है करके जो आ जाए सो ले लो, वो भी सावधान रहना पड़ेगा उसमें भी, जो आपके ज्ञान मार्ग में उपयोगी है और प्रावधानुसार ना आया हुआ है उतने को ही स्वीकार करने का नाम यदृच्छा लाभ है ना संतुष्ट। उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्माधीन भूत्वा तम त्वम जो है ताभ्याम ताभ्याम ने योगक्षेमाभ्याम निष्क्रांतो भव। मनसो विषयांतर
पारवश्ये स्वधर्मो न सिद्ध्यता सिद्ध्यता अतः तदभाविन भवितव्यमित्याह। मन लेकिन विषयांतर के पराधीन हो जावे तो आप अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मन को सदा तान के रखना होगा। इसे मन को क्या कहा कठोपनिषद में, ये लगाम के समान है भाई, लगाम हम इसे क्या रखना पड़ता है, बिल्कुल तान के ठीक रखना पड़ेगा। ज़्यादा तान हो गया तो बिगड़ गया और ढीला छोड़ो तो गड़बड़ होगा। घोड़े को तान के पकड़ देगी नहीं, ज़्यादा तान लेंगे तो उछलने लग जाएगा वो, और ज़्यादा ढीला छोड़ोगे तो इधर उधर कहीं भी भागने लगेगा। उचित जो है न ज़्यादा न कम, सही सही उसको पकड़े रहना पड़ता है, तब जा करके सन्मार्ग में घोड़े चलेंगे, इंद्रियां आपके सन्मार्ग में चल पाएंगे। इसलिए कहते हैं देखो कि यदि आपका मन प्रमादशील है, प्रमाद करने लग जाए अर्थात विषयांतर के परवश हो जाए, पराधीन हो जाए, तो आपको स्वधर्म से च्युत होना पड़ेगा। स्वधर्मो न सिद्ध्यति अतः तद अभावेन भवितव्यमित्याह आत्मवान भव इति। विहिते कर्मणि श्रवण ध्यान कीर्तनादिषु एव स्थितो भव आत्मा मनो अस्ति। आत्मा शब्द का अर्थ वो आत्मा नहीं लेना, सच्चिदानंद रूप आत्मा वो नहीं लेना है। यदि आत्मा शब्द से क्या लेना तो बता दिया, विहित कर्मों में भी उन कर्मों को लो जो श्रवण ध्यान कीर्तनादिषु एव स्थितः इति आत्मा मनो यस्य। आत्मशब्द का अर्थ क्या कर दिया, मन, मनस्वान भव, आत्मवान मने मनस्वी भव इत्यर्थ। कैसे मनस्वी होने चाहिए, विहित कर्म जो उसमें कर्म में भी अग्निहोत्र आदि नहीं लेना, श्रवण ध्यान कीर्तन आदियों में ही आप स्थित होवे, स्थित रहे। आत्मा मने मन अस्य अस्ति इति आत्मवान अर्थात मनस्वी भव इत्यर्थ। निश्चल चित्तो भवा और विस्फेट कर दिया, निश्चल चित्त हो जाओ। यद्वा अत दूसरे ढंग से श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं, न जायते मृत्ये वा कदाचित वेदा विनाशन इत्यादि वाक्य प्रतिपादिता सांख्य विषय बुद्धि यदि तव अस्ति दृढ़ तदा त्वया एवं स्थातव्यमिति ज्ञानेन कर्तव्यम सूचित। यह ज्ञानी के प्रति कर्तव्य सूचित कर रहे हैं। पहला पक्ष जो था भाष्यकार के पक्ष को ही लेकर के उसके अनुरूप थोड़ा विस्तार करके उन्होंने समझाया, इन आप कह रहे हैं इसको हम दूसरे ढंग से भी ले सकते हैं। जो अपने आप को जीवन मुक्त मान रहा है, मुझे ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हो गई, मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ, ऐसे जिस किसी को महसूस होता हो अंदर से अनुभव होता है उसके द्वारा भी कर्तव्य है ये सब, नहीं तो उसके जीवन मुक्तता एक भ्रांति मात्र रह जाएगा। अधिकतर लोगों को जीवन मुक्ति की भ्रांति हो रखी, कई अपने आप को महान योगी समझ रहे हैं, हमको तो योग सर्व सब अनुभव हो गया है बोलते भी हैं, आप पहचान नहीं पा रहे हमको। एक योगी आया है, बाल बच्चेदार हैं, एक बेटा एक बेटी है, आओ उनको वेद शास्त्र से पढ़ाना भी चाह रहा है, ठीक है अच्छा था, मोह ममता इतनी ज़्यादा है कि पूछो ही मत, और कहता कि भी हम महान योगी हैं, हमको ऐसे से अनुभव हो गया, हमको कोई बैठे नहीं देता है, हम साधना के लिए कमरा मांगते कहीं कमरा नहीं देते हैं। मैंने कहा कौन सी शास्त्र में लिखा है साधना के लिए कमरा चाहिए पहले नंबर में, दूसरे नंबर है साधना करने के लिए कोई सेवा नहीं लेना है उस व्यक्ति से, कौन सी शास्त्र में लिखा है। भैया आप जाओ गंगा किनारे बैठो आसन लगा के, कौन रोक रहा है आपको, साधना करो। मैंने कहा तीन दिन बैठ के दो, चौथे दिन भाग गया यहीं से, तीन दिन ढंग से नहीं बैठ पाया, चौथे दिन चला गया,
बिना बताए। फिर आया भागवत कथा में, मैंने कहा क्यों आएगा, सोचा भागवत का शायद अंतकरण थोड़ा शुद्ध हो जाए और आप कहे साक्षात सेवा नहीं तो यहाँ थोड़ी सेवा कर लिया करूँगा। सेवा क्या है, सबके माता खा गया वो, ऐसे योगी लोग होते हैं। इसलिए लोगों को योगी होने का, जीवन मुक्त होने की भ्रांति जो है ना चढ़ा हुआ है। इसे उन लोगों को करिए, यदि आप योगी है, यदि आप वास्तव में जीवन मुक्त हैं, आपके द्वारे कर्तव्य है, कर्तव्य विधि है ये भव, ऐसा होना पड़ेगा, ऐसा रहना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। आपको क्या क्या करना पड़ेगा वही वर्णन किया। न जायते मृियते वा कदाचित वेदाभिषेक विनाश्रम इत्यादि वाक्य ही प्रतिपादिता सांख्य विषय बुद्धि यदि तव अस्ति दृढ़, ये तुम्हारे अंदर तार्श सांख्य बुद्धि वेदांतानुभूति दृढ़ यदि है तो तदा त्वया एवं स्थातव्यम, फिर तो तुम्हें इस प्रकार से ही रहना होगा। इति ज्ञानिनः कर्तव्यम सूचते, ज्ञानी के प्रति कर्तव्य को सूचित किया जा रहा है। त्रयोगुणाः सत्वादि यस्य सन्ति तत्त्रिगुणं जगत बीजम अव्याकृतं तस्माद् उत्पन्नं जगत त्रैगुण्यं तदेव प्रतिपादित्य विशेषान्ते त्रिगुण विषयः वेदाः। त्रयोगुणाः, तीन गुण कौन है, सत्व रज तम है, यस्य सन्ति त्रिगुणात्मक हैं, जो उनको कहते हैं तत्त्रिगुणम अर्थात जगत का बीज, अव्याकृत माया अविद्या, तस्माद् उत्पन्नम उससे उत्पन्न जो ये जगत है, कारण भी त्रिगुणात्मक है कार्य भी त्रिगुणात्मक है, दोनों को त्रैगुण्यम सबसे ले रहे हैं। तदेव प्रतिपाद्यत्वेन, इस कार्य कारण भाव को ही प्रतिपादन करने वाला है जो, वही विषय जिनका उन वाक्यों को त्रिगुण्य विषय कहा जाता है, वे कौन है, वो वेदाः अर्थात साध्य साधन फल देवतात्मक जगत प्रकाशन पराहा सर्वे वेदाः इत्यर्थ। साध्य साधन साधक फल देवता आदि अन्य सगल सामग्री से युक्त संपूर्ण जगत की प्रकाशन पर को ये सभी वेद होते हैं, कर्मकांड के विभाग। वेद तदुक्त कर्म तत्फलेश प्रवृत्तस्य द्वैत ज्ञान बाधम विना नाद्वैत ज्ञानम तन्निष्ठा तत्फलोपि न सिद्ध्यति। वेद तदुक्त कर्म और तद प्राप्त जो, उनसे प्राप्त होने जो फल, उनमें जो प्रवृत्त पुरुष के अंदर द्वैत ज्ञान बना रहता है, उस द्वैत ज्ञान को बाध किए बिना आपके अद्वैत ज्ञान के प्रति निष्ठा नहीं हो सकती, ना द्वैत ज्ञानम अद्वैत ज्ञान उत्पन्न भी नहीं होगी और उसमें निष्ठा भी नहीं होगी। तत्फलम अपि न सिद्ध्यति, और अद्वैत ज्ञान का फल क्या है, मोक्ष, वह भी सिद्ध नहीं हो सकता। अतः तत् निष्कामो अतः तन निष्क्रमो विदुषा कर्तव्य, इसे उससे निष्क्रमण जो है उसे अलग होना ये विद्वान के लिए कर्तव्य होता है। इस कर्तव्यता को स्पष्ट करते हुए कहा निस्त्रिगुण्यो भव इति, वेदानिमं लोकम अमुं च परित्यज्य आत्मानमन विच्छेत इति स्मरणात्। स्मृतियां कह रही हैं वेदान, वेदों को, इमं लोकम इस लोक को, अमुं च अमुं लोकम और इन सब का परित्यज्य परित्याग करके आत्मानमन विच्छेत, केवल आत्मा का ही अन्वेषण करना चाहिए। इति स्मरणात् वेदेभ्यस्तदुक्त कर्मभ्यस्त्रिगुण्यात् जगतश्च सर्वस्मात् निष्क्रांत भव, इसलिए वेद तदुत कर्म उनके फलभूत है जो जगत, इन सभीों से आप अलग होना पड़ेगा। कहने का तात्पर्यार्थ यह है कि सर्वसन्यासम गुरु इत्यर्थ, सर्वसन्यास कर दो, शरीर को भी त्याग दो, शरीर को भी त्यागना पड़ेगा। सर्वसन्यास का मतलब यही होता है, शरीर का भी त्याग, इसका मतलब ये नहीं कि पंखे में लटक जाओ फांसी लगा लो, ये अर्थ नहीं है। सर्वकर्म संन्यास, सर्वकर्म संन्यास नहीं, सर्वसन्यास बोल दिया, जगदांतर जगत का संन्यास मैंने जगदांतर प्रति शरीर का भी संन्यास करना पड़ेगा। इसलिए विरजा होम में
इन सब को स्वाहा किया जाता है। केवल मंत्रों से कर रहे हैं, यहाँ से भी करना पड़ेगा। सर्वेन्द्रियाणि स्वाहा, अंतरण चतुष्टय स्वाहा, जीव भाव स्वाहा, सब स्वाहा किया जाता है। इसका नाम विरजा होम है संन्यास में। मैंने अपने शरीर को भी आपने त्याग दिया, स्वाहा कर दिया, भस्म हो गया। अर्थात स्थूल भौतिक शरीर भले जिंदा है, लेकिन मानस जो इस भौतिक शरीर से संबंध था, उस मानस शरीर जो मैं हूँ, मेरा ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, सन्यासी हूँ, ये सब सब जो भी अंदर खपड़ा था, वो सारा कचड़ा को स्वाहा कर दिया, विशुद्ध मन वाले हो गए। उसके बाद भी शरीर में अभिमान होता है तो समझो संन्यास हुआ ही नहीं। चल भाई, झूठी एक प्रक्रिया हो गई है और कुछ नहीं हुआ। विधिपत प्राप्त चोटी और जनु को विधिवत त्याग दिया केवल, और कुछ नहीं त्यागा। सर्वसन्यासं कुरु इत्यर्थ कृते भी सर्वसन्यासे बहिर्मुखस्य। मान लो किसी ने सर्वसन्यास कर दिया, फिर भी इतना वासना प्रबल है, वो बहिर्मुख हो रहा है, तो क्या करे उसको? कृतेपि सर्वसन्यासे बहिर्मुखस्य द्वैतावलंबिनो ब्रह्मनिष्ठा अयोगात तद अयोगे च ज्ञानभ्रंश तेन मोक्षो न सिद्ध्यति। बहिर्मुख द्वैत में अवलंबन करने लग जाए तो उसकी ब्रह्मनिष्ठा ढीली पड़ जाती है, और जब ब्रह्मनिष्ठा का योग नहीं रह गया, ज्ञान से भ्रंशित होगा, तो मोक्ष दूर होना पड़ेगा। अतो ज्ञानिना द्वैतालंबनम त्यक्तव्यम, इसे ज्ञानी के द्वारा द्वैत रूपी विषयों को परित्याग करना पड़ेगा। इसके लिए कहा निर्द्वंद्वो भव इति। इसे द्वंद से क्या शब्द लूंगा? पहले जैसे नहीं राग द्वेष सुख दुख आदि नहीं, द्वंद शब्द का अर्थ ले रहे हैं नाम और रूप। नाम रूपे सर्वत्र त्रेवर ग्रहणात निर्गतो भव। सर्वत्र यही ग्रहण होता है, जहाँ आंख खोला, कान खोला, आपका नाम रूप के अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए इनसे अलग होना पड़ेगा। नाम रूप और ग्रहणम मा कुरु इत्यर्थ, नाम और रूप ग्रहण मत करो। नाम और रूप की कल्पना का अधिष्ठान जब ब्रह्म को सर्वत्र ग्रहण करो। निद्राम कुर्वतो नाम ग्रहणम न संभवती। पूर्व से जो सो जाता है वो भी तो नाम रूप ग्रहण नहीं करता। ये प्रयोग क्या है? जीवन मुक्त है, जो सो जाए मुक्त हो जाए, ऐसा कहना पड़ेगा फिर कि भाई नाम रूप ग्रहण हो नहीं रहा। निद्राम कुर्वतो नाम रूप ग्रहणम न संभवती अतः प्राप्तां ताम विदुषो निषिद्धुम्माह। तब कहते हैं इसीलिए इस अतिव्याप्ति जो प्राप्त हो रही है उसे अलग करने के लिए कर, तुम्हें सोना भी नहीं है। जीवन मुक्त को सोना भी नहीं है। सोना क्या होता है? तमोगुण। नित्य सत्वस्तो भव, सदा सतगुण में प्रतिष्ठित हो जाओ। मैंने सदा रजगुण और तमोगुण में प्रतिष्ठित आपको नहीं होना है। तमोगुण का कार्य निद्रा पर विजय प्राप्त करना है, रजगुण का कार्य बाह्य प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करना है। जी निद्रा जयी होने के लिए कह दिया नित्य सत्वस्तो, विलक्षण अर्थ कर रहे हैं यहाँ। सतो भाव सत्यम ब्रह्म स्वरूपम नित्यम तस्मिन्नेव तिष्ठति नित्य सत्वस्तो भाव। देखिए सत्य क्या है? ब्रह्म। सतो भाव सत्यम मैंने ब्रह्मणो भाव, सत्य मैंने सदैव सोम इदम अग्र आसीत, सत शब्द से क्या लिया है? ब्रह्म। ब्रह्मणो भाव सत्य मैंने इसलिए क्या हो गया? ब्रह्म स्वरूपम, उसी में नित्यम तस्मिन्नेव तिष्ठति थी नित्य सत्वस्तो भव। सर्वदा ब्रह्मैव अनुसंधेही इत्यर्थ, सर्वदा ब्रह्म अनुसंधान में लगे रहना। ब्रह्म विदः शरीर यात्रा भी ब्रह्म दृष्टिव कर्तव्य। ब्रह्मविद्ता को अपने प्रारकर्माधीन ये जो शरीर यात्रा है इसको भी ब्रह्म दृष्टि से ही करनी चाहिए। न तो बाह्य दृष्टिया इति सूचितुम आह, बाह्य दृष्टि नहीं करना चाहिए इस बात को सूचित करने के लिए कहा निर्योग क्षेमो भव इति। स्थितस्यैव देहस्य अहिकण्टकादिभ्यः तात्पर्येण पालनं क्षेमः। स्थित इस शरीर
क्यों रक्षा करने में आप लगे रहते हैं, सांप न काटे। एक दिन एक सांप आया, सामने से निकल गया वो। यह रहने वालों ने इधर कपड़ा उधर कपड़ा सारा टाइट बांध दिया, कहीं से इधर वापस उधर से सांप इधर ना आ जाए, इतना डर लग गया। अरे दिखा है, फुसफुस भी नहीं किया उसने बेचारे ने, चुपचाप चला गया वो, इतना डर लग गया, सब सील पैक कर दिया गया। अरे हवा तो आने दो थोड़े, उधर से आ जाएगा हवा भले जाली से, इधर से नहीं चाहिए। सांप से रक्षा अपनी कर रहे हैं। अही कंटक, बढ़िया से बढ़िया जूता चाहिए 5,000 रुपये के, नहीं अरे 50 रुपये के चप्पल से भी काम चल जाता है, लेकिन कंटक से बचाने के लिए बढ़िया जूता खरीदते हैं। अही कंटकादिभ्यस स्थित सेवा, और अपने को महत्व से देखो हम कितने मॉडर्न है, बढ़िया जूता पहने, बढ़िया कपड़ा पहने, चम करते रहे। ऐसे महात्मा को ही आजकल मानते भी हैं लोग, आप बिल्कुल विरक्त बन के सादा कपड़ा पहन के जाए, अरे क्या खड़िया पलटा नहीं बोलेंगे। गुजरात में जाओ तो कहते गांडू छे बोलते बुरा हालत है। हम लोग एक बार उत्तर काशी में थे, तो और भी लोग भक्त एक दो थे उनके साथ, गंगोत्री जा रहे, तो वहाँ रुक गए रात, रात हो गया तो शाम 6 बज गया, तो यहीं रुकेंगे आज। और जो भी वहाँ महात्मा जहाँ इधर ऐसा लगा दो बोलते थे, लगा दिया उन लोगों को भी, उधर कमरा दे दिया, ठीक है निचले लाइन में पूरा सीलन भरा पड़ा रहता है वहाँ, ठीक है हम लोग वहाँ रहे, आपको क्या दिक्कत है, उधर रात काटनी है। वहाँ से कुछ देर बाद हम लोग चले भाई गंगा जी का दर्शन करते, आरती वारती कर फिर ऊपर जाते, आरती घंटी की लग गई ऊपर, तो हम लोग गए दर्शन कर, तो लौट रहे थे वो जो कुठारी थे उस समय में, वो अपने चेला था पड़ा हुआ था, उसने देखा, अरे फिर तुरंत जो दूसरा था जिसने व्यवस्था देख रहा था, तो क्या किया है, कहाँ रखा है स्वामी जी को, वहाँ रख दिया, हे पागल के का आचार्य। फिर तुरंत बढ़िया कमरे ऊपर सब बढ़िया हो गया, बताओ बिना परिचय का तो ये हाल है। और अगले ही दिन हम गए फिर लौट आए गंगोत्री से, अपने व्यवस्था था पूछ पहचान ले इनको सही देना है, दे दिया। हम देख रहे एक और महात्मा एक टैक्सी में, गड़िया सुगंध भी आ रहा है, चल रहे हैं तो कर रखे हैं, अब उनको देख के उसने वहाँ से साष्टांग प्रणाम कर दिया। मैंने कहा ये क्या हो गया, कोई बहुत बड़े महात्मा आए हुए हैं। फिर वो उनको एसी कमरा खोल दिया, अपन को तो कूलर कमरा, तो एसी कमरा खुल गए। फिर मैंने कहा उसको चेला को, ये क्या हो रहा है, आप लोग ये पैसों के पुजारी हो गए, तो बढ़िया पहन के आ गया टैक्सी में आ गया तो बड़ा हो गया, इसीलिए इन चीज़ों से आपको समझना चाहिए, किसी से कोई अपेक्षा नहीं करना, यदि अपेक्षा है तो मुश्किल पड़ेगा, फिर आपके वैरागी भी खत्म हो गया, आप ऐसे पहनने लगोगे फिर। इसे इनका कहना है कि देखो कि आप इन चीज़ों को त्यागे बिना काम चलेगा नहीं, सर्वदा ब्रह्म अनुसंधे ब्रह्म विदा शरीर यात्रा ब्रह्म दृष्टि से करना होगा, न तो बाह्य दृष्टि सूचित स्थित से उद्देश्य अहि कंटादिभ्यस तात्पर्य पालनम क्षेम तस् अनुकूल द्रव्य संपादनम योग, उसके अनु द्रव्यों के संपादन करके नाम योग है, तद उभय प्रारब्ध अधीन, ये दोनों आपकी प्रारब्ध के अधीन है, स्वदृष्टिया देहाभावच्छ, और आपकी अपनी दृष्टि में देह तो मिथ्या हो चुकी है, देह तो है ही नहीं। अधिष्ठान ज्ञान बलेन ते और निर्गमम कृत्वा, अधिष्ठान के ज्ञान के बल से उन दोनों से अलग हो जाओ, योग और क्षेम से अलग हो जाओ और निर्योग क्षेम भवैती।